हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अभी मैं आया हूँ डॉग क्लिनिक पे, क्योंकि एक मेरा बीगल का पप्पी है, उसको पता नहीं क्या हो गया, उसका पेट बहुत फूल रहा है, तो वो आपको अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अभी क्लिनिक पे आए हैं तो डॉक्टर साहब से देखते हैं, पूछते हैं वो क्या करते हैं डॉक्टर साहब देखने के बाद, तो ब्लॉग पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखो आप, पप्पी वैसे एक्टिव है, पेट देखो कितना फूल रहा है इसका, नशे भी देखो कितनी फूल रही है, ये देख सकते हैं ना। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी डॉग के साथ हो सकता है, पप्पी के साथ हो सकता है। तो अभी देखते हैं डॉक्टर साहब इसे क्या ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, मेरे साथ तो आज ये फर्स्ट बार ही हुआ है, उनसे डॉक्टर के पास आ गया। ठीक है, ये देखो क्लिनिक डॉक्टर साहब का, ये रहा। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं ये क्या ट्रीटमेंट देता है। अभी कुछ लोग अंदर भी हैं तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा पूरी वीडियो। तो दोस्तों ये देखिए, पप्पी आ गया, डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे आपको इसका क्या दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब प्लीज़ एक बार बता दीजिए मेरे व्यूवर्स को। इसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसकी वजह से इसके पेट में गैस बन रही है। अभी हम इसको एनिमा दे रहे हैं, एनिमा से इसका जब स्टूल निकल जाएगा तो मोस्ट प्रोबली इसका गैस पेट सेटल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे गैस्ट्रिक हो रही है नॉर्मली। तो दोस्तों आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रात में तो देखते हैं क्या करना चाहिए, अभी आपको बताएंगे। आता इसको अनिमा लगेगा तो हम दे रहे हैं, अनिमा क्या होता है आप देख लो, ये होता है और ये इस तरीके से लगेगा इसके, उसके बाद हो सकता है इसकी जो पॉटी है वो पेट में ज़्यादा जम रही हो। तो आप कमेंट करके जरूर बताना वो कैसा लग रहा है, क्या हो सकता है इसके। बाकी ट्रीटमेंट तो हम करा ही रहे हैं, ये इस टाइप से लग रहा है, पीछे से इसके जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। अब देखते हैं ये पॉटी करेगा तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक हो जाएगा, नॉर्मली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लग रही है इसे। अब देखते हैं क्या होता है, वो पॉटी कर पाता है नहीं कर पाता। ये देखो अभी बूंद बूंद गिर रही है पानी की जो इसके डाला है, देखते हैं क्या होता है। तो ब्लॉग पूरा देखना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है और मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट है ये, चिल्ला के बोलना ठीक नहीं है ना। तो आप कमेंट जरूर करना, मुझे बताना ज़रूर कि आपके साथ भी ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई है डॉग के साथ, तो आपने क्या किया था इसलिए इतना टाइम। तो दोस्तों अनिमा लगता है, देखो इसने 5 सेकंड में ही पॉटी कर दी, इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही थी जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे। अब देखते हैं कब तक इसका पेट। दोस्तों अनिमा लगवा लिया, बस हम निकल रहे हैं, थोड़ी बारिश तेज़ हो गई है, अभी आपको बारिश दिखाता हूँ, बहुत तेज़ बारिश आ रही है और पप्पी का अनिमा लगा लिया है। अब देखते हैं कितना इसको रिलीफ मिलता है। ये देखो बारिश बहुत तेज़ हो गई है, गाड़ी अपनी वो खड़ी, तो देख के आप देखते हैं कभी रुकेगी, फिर हम निकलेंगे यहाँ से, तो शॉप पे पहुँच के आपको बताता हूँ क्या हुआ क्या। तो दोस्तों फाइनली अब आ गए हम शॉप पे, अब व्लॉग का करते हैं एंड। और दोस्तों ये जो मेरे साथ आज हुआ है, जो पप्पी के साथ हुआ है, ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ हुई है लाइफ में अभी तक, पहली बार के एकदम उसका पेट जो है फूल गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि आप डाइजिन ले सकते हो बिल्कुल अर्जेंट, 2 से 2.5 ml अगर पप्पी है तो, अगर बड़ा डॉग है तो डाइजिन थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, या तो आप रेंटेक की या सीरम दे सकते हो, वो भी आता है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय। और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।